शनमुखा प्रिया का क्या है फिनाले को लेकर कहना, बताया क्यों है दुखी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मर है, और वो है शनमुखा प्रिया। उन्होंने सोनी टेलीविजन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई एक वीडियो में फिनाले को लेकर कुछ कहा है, और उन्होंने कहा कि वो एक्साइटेड भी हैं और दुखी भी। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड झमेला। तो दोस्तों, शनमुखा प्रिया यहाँ अपने इंडियन आइडल के पूरे सफर के बारे में बताती हुई नजर आती हैं, और वो कहती हैं कि पूरे आइडल के शो में कुल दो ऐसे पल थे जहाँ मुझे सबसे अच्छा फील हुआ। एक तो मेरी पहली परफॉर्मेंस यानी कि हम्मा हम्मा जो स्टीफन सर के साथ थी, और दूसरा जब मेहमान बनकर आए थे बादशाह सर। उन्होंने पहले रैप किया और फिर मैंने गाया था, और ये दोनों ही परफॉर्मेंस मेरी फेवरेट हैं। और मुझे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के सामने गाने का मौका मिला। मैंने एआर रहमान सर के सामने गाया, खुद डायरेक्टर उमंग कुमार ने मेरी तस्वीर बनाई, और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। कुछ बीच में बुरा वक्त भी आया, लोग मेरे बारे में कुछ कहने लगे थे, पर फिर मैं वापस से मजबूत हुई। उसके बाद शनमुखा प्रिया बताती हैं कि फिनाले को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं मंच पर जाकर गाना चाहती हूँ और मैं जीतना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम के आगे इंडियन आइडल सीजन 12 की विनर शनमुखा प्रिया ऐसा जुड़े। और उन्होंने कहा कि इसी के साथ मैं दुखी भी हूँ। दुखी इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये शो खत्म हो, पर फिनाले के बाद ऐसा नहीं होगा और मैं वापस से इस बड़े स्टेज पर नहीं गा पाऊंगी। इस तरह शनमुखा प्रिया ने अपना आइडल का एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शनमुखा प्रिया आइडल 12 की ट्रॉफी की दावेदारी जता पाएंगी? क्या वो पवनदीप अरुणिता को टक्कर दे पाएंगी? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।